दोस्तों आज आईपीएल 2024 का एक और रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियन और लखनऊ सुपर जायंट के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद दोस्तों इस मुकाबले में रनों का अंबार लगाने के इरादे से लखनऊ की तरफ से केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने पारी की शुरुआत की। दोस्तों इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों मुंबई के खिलाफ इस महा मुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब हुई थी। जी हां दोस्तों, पहला ओवर लेकर आए नुवान तुसारा ने तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को LBW आउट करते हुए लखनऊ को पहला झटका दिया। आपको बता दें कि इस महा मुकाबले में देवदत्त पडिक्कल बिना कोई रन बनाए गोल्डन डक का शिकार हो गए। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने उतरे। दोस्तों आज लखनऊ के खिलाफ पावर प्ले में मुंबई इंडियन की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते दोनों बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं लगा पा रहे थे। मुंबई के गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते लखनऊ का स्कोर भी काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी कारण से लखनऊ की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था और इस दबाव का फायदा उठाया छठा ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने, जिन्होंने पावर प्ले की आखिरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को LBW आउट कर लखनऊ को दूसरा झटका दिया। मार्कस स्टोइनिस 12 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए और केएल राहुल के साथ मिलकर 48 रनों की साझेदारी की। मार्कस स्टोइनिस के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक सके और 11 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों आज मुंबई इंडियन की तूफानी गेंदबाजी के आगे लखनऊ का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से दबाव में आ चुका था, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां रन नहीं बन रहे थे वहीं दूसरी ओर तीन बड़े बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले निकोलस पूरन ने केएल राहुल के साथ मिलकर लखनऊ की पारी को आगे बढ़ाया। अब अगर लखनऊ सुपर जायंट को मुंबई के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब यहां से इन दोनों बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलते हुए तेज गति से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों इसका नजारा 13वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज निकोलस पूरन ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए दो चौके और दो छक्कों की मदद से 22 रन बटोर लिए। उसके बाद अगले ओवर में हार्दिक पांड्या को भी दो गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दोस्तों आज निकोलस पूरन बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि निकोलस पूरन ने मात्र 19 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और इस मुकाबले में लखनऊ टीम की वापसी करा दी थी। 15 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन पहुंच चुका था। दोस्तों एक छोर पर जहां निकोलस पूरन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर से कप्तान केएल राहुल भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। निकोलस पूरन के अर्धशतक लगाने के बाद केएल राहुल ने भी अपना अर्धशतक 37 गेंदों में पूरा कर लिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों दोनों बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन इसी बीच 17वां ओवर लेकर आए नुवान तुसारा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन को आउट कर दिया। निकोलस पूरन 29 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 75 रन बनाकर आउट हुए और केएल राहुल के साथ 109 रनों की साझेदारी की। दोस्तों पूरन के आउट होने के बाद लखनऊ का पूरा बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा आ गया, क्योंकि दोस्तों पूरन को आउट करने के बाद नुवान तुसारा ने अगली गेंद पर नए बल्लेबाज अरशद खान को भी निहाल वढ़ेरा के हाथों कैच आउट करा दिया। अरशद खान बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद अगला ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने पहली गेंद पर कप्तान केएल राहुल को आउट कर पवेलियन भेज दिया और इस तरह से एक के बाद एक लगातार लखनऊ ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। केएल राहुल 41 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद अंत में कुंडल पांड्या और आयुष बदोनी बल्लेबाजी करने उतरे। आयुष बदोनी 22 रन बनाकर नाबाद रहे तो वहीं कुंडल पांड्या ने भी 12 रनों की पारी खेली और इस तरह से लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए और मुंबई को जीत के लिए 215 रनों का लक्ष्य दिया। मुंबई की तरफ से नुवान तुसारा और पीयूष चावला को 3-3 सफलता मिली। उसके बाद लखनऊ की तरफ से मिले 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और डिवाल्ड ब्रेविस मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ की तरफ से दिया हुआ लक्ष्य बहुत बड़ा था, ऐसे में दोनों बल्लेबाजों को इस मुकाबले में सूझबूझ के साथ मुंबई को अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाया और इस मुकाबले में मुंबई इंडियन को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। पावर प्ले में मुंबई इंडियन का स्कोर बिना किसी नुकसान के 53 रनों पर पहुंच चुका था। रोहित शर्मा शानदार लय में दिख रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र 28 गेंदों में ही रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और इसी के साथ मुंबई इंडियन का स्कोर 8वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 78 रनों पर पहुंच चुका था। उसके बाद मुंबई इंडियन को पहला झटका नवीनुल हक ने दिया और डिवाल्ड ब्रेविस को कुंडल पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। डिवाल्ड ब्रेविस 20 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे सूर्यकुमार यादव आज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। कुंडल पांड्या ने सूर्यकुमार यादव को नवीनुल हक के हाथों कैच आउट कराया। सूर्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई ने मुंबई को तीसरा झटका दिया और रोहित शर्मा को आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस
मुकाबले में 38 गेंदों में 78 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों एक समय बेहतर स्थिति में दिख रही मुंबई इंडियन एक के बाद एक 3 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस चुकी थी और अब अगर मुंबई इंडियन को इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी थी तो मैदान पर मौजूद कप्तान हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि संकट की इस घड़ी में हार्दिक पांड्या भी टीम के लिए कुछ योगदान नहीं दे सके और मात्र 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। उसके बाद अगले ही ओवर में निहाल वडेरा ने भी 1 रन पर ही अपना विकेट गंवा दिया। दोस्तों बता दें कि 5 विकेट खोने के बाद मुंबई की हालत बस से बदतर हो चुकी थी और मुंबई का खेमा पूरी तरह से दबाव में आ चुका था क्योंकि दोस्तों अभी 24 गेंदों का खेल बचा हुआ था और मुंबई को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत थी। ऐसे में अगर मुंबई को इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी थी तो क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज नमन धीर और ईशान किशन को विस्फोटक बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और कुछ ऐसी ही पारी इन दोनों के बल्ले से देखने को भी मिली। दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू किया और चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। नमन धीर आज बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बावजूद नमन धीर इस मुकाबले में मुंबई को जीत नहीं दिला सके और लखनऊ ने इस मुकाबले को 18 रनों से जीत लिया। नमन धीर ने 28 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली जबकि ईशान किशन ने भी 14 रनों का योगदान दिया। दोस्तों बता दें कि मुंबई की टीम जहां प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी थी वहीं आज का मुकाबला जीतने के बावजूद लखनऊ की टीम खराब रन रेट के चलते प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है।